गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग से कुछ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 1K सब्सक्राइबर से इतने क्लोज हैं, इतने करीब हैं। तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1K सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, बस इतना ही बोलना था। वेलकम टू अनदर रेसलिंग रिवोल्यूशन 3D की वीडियो में। और आज हम लोग खेल रहे हैं मनी इन द बैंक। तो गाइस, पहला आ रहा है हमारा एजे स्टाइल्स। और गाइस, तुम लोग ने पता है मैंने अपने लिए कौन सा रेसलर चुना है? तुम लोग का बहुत फेवरेट होगा क्योंकि वो मेरा भी फेवरेट है। वैसे तुम लोग का फेवरेट रेसलर है कौन WWE का, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, चलना स्टाइल क्या मार रहा है रिंग में, और भी लोग को आने गए, गजब बेइज्जती है। अपना अगला आ रहा है ब्रॉक लेसनर। गाइस, क्यों हिला डाला ना? ब्रॉक लेसनर कहाँ से आ गया यार? ये तो WWE का रॉयल रंबल जीत चुका है ना, WWE का। गाइस, अपना अपने चैनल का नहीं, अपने चैनल का तो खली भाई ने जीता है। और ये अगला आ रहा है कैन। भाई तू कहीं पे भी पीछा मत छोड़ना मेरा। गाइस, तीन रेसलर्स आ चुके हैं लेडर। यार, मनी इन द बैंक मैच में टोटल कितने रेसलर होते हैं? 6। और जो भी पहले लेडर लगा के ऊपर जाके अपना ब्रीफ केस उतार लेता है वो बन जाता है मनी इन द बैंक का विनर। गाइस, और यहाँ पर अपना चौथा बंदा आ चुका है सेथ रॉलिंस। और ये अपना अगला आ चुका है रैंडी ऑर्टन। गाइस, ये पांचों रेसलर्स में से मेरा वाला एक भी नहीं है। मेरा वाला जो है वो आएगा सीधा लास्ट में। अबे चलना, सीढ़ी पे क्यों चढ़ रहा है? और यस, द अंडरटेकर। गाइस, अंडरटेकर से बड़ा लेजेंड कोई भी नहीं है WWE में, इसीलिए मैंने चुना है अंडरटेकर को। और गाइस, यहां पर मैच का स्टार्टिंग हो चुका है। और ये एज स्टाइल ने पटक दिया अपने अंडरटेकर को। अब बच्चा तू नहीं बचेगा। भाई, अंडरटेकर को तूने मारा है, अब तू नहीं बचेगा भाई। और ये जंप, ओ यार, इसको अलग एंगल से लेना चाहिए था, मेरे को तो ज्यादा मजा आता। कोई बात नहीं गाइस, अब हम लोग ने एज स्टाइल को उठाया और ये चॉक स्लैम मारे डालोगे क्या? गाइस, अब तुम लोग मेरा मूव देखो। अब अंडरटेकर अपना चढ़ेगा इस लैडर पे और लैडर से मारेगा जंप। पहले एंगल बड़ा कर लो और ये जंप। मिशन फेल्ड, वी विल कम नेक्स्ट टाइम। ये क्या हुआ अभी? जो मैंने देखा वही क्या तुम लोग ने भी देखा? यार, अपना अंडरटेकर एज स्टाइल पे कूदा पर एज स्टाइल को कुछ नहीं हुआ, उल्टा अपना अंडरटेकर ही लैडर को तोड़ दिया। गाइस, अपन एक काम करते हैं, अपन जाके लैडर को लगाते हैं, ब्रीफ केस उतारते हैं, मैच को खत्म करते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा मैच रख के कोई मतलब नहीं है गाइस। बात तो सही, देख लो तुम लोग। गाइस, कैन यहाँ पे क्यों आ रहा है? भाई, कैन तो अपने को नहीं मारेगा, कैन तो अंडरटेकर का भाई है, तुम लोग को तो पता ही होगा। अबे यार, ये लैडर पर लगती कैसे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, नहीं लग रहा मुझसे। गाइस, ये लैडर तो लग नहीं रही, जो लैडर पहले से खड़ी है उसी को उठा कर लेकर जाना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पर तो दो दो लैडर है। एक काम करते हैं, एक लैडर से क्या होगा, अपने को दो ही लैडर चाहिए। दो लैडर उठाओ यहाँ से लेकर जाओ। ओ भाई, फाइनली हम लोग लैडर लेकर आ चुके हैं। अरे यार, लैडर थोड़ी पीछे हो गई, थोड़ा इसको आगे लेकर आओ। ये लोग को, पांचों लोग को मरने दो आपस में, अपना कुछ वास्ता नहीं है लोग से, अपने को खाली मनी इन द बैंक उतारने का है ऊपर चढ़ के। भाई, अबे पार्टी बदल लिया साला। ब्रॉक, तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा खासा अपना अंडरटेकर उस पे चढ़ रहा था, धीरे धीरे चढ़ता जाके उसका मनी इन द बैंक उतारता, लेकिन नहीं, ये लोग से नहीं देखा गया। अरे यार, लैडर तो पहले से ही लगी हुई है। काम करते, किसी को क्या मारेंगे, किसी का लड़ाई झगड़े से कभी कुछ भला हुआ है? इसके लिए अपन चढ़ते हैं ऊपर और उतारते। गाइस, मनी इन द बैंक मेरे जस्ट ऊपर ही है। अबे और ऊपर क्यों चढ़ रहा है भाई? अच्छा चल चढ़ ले। अबे मनी इन द बैंक नीचे गिर गया। ओ भाई, सेथ रॉलिंस ने उठा लिया है। ऐसा हो सकता है? मनी इन द बैंक को जीतने का तो ये एक ही रूल था कि लैडर के ऊपर चढ़ के फिर उसको उतारना होता है, पर यहाँ पर मनी इन द बैंक ऊपर से नीचे गिर गया, फिर उसको सेथ रॉलिंस ने उठा लिया और सेथ रॉलिंस बन गया मनी इन द बैंक का विनर। तो भाई लोग, एक काम करो, जल्दी से 80 लाइक कर दो कंप्लीट, और फिर हम लोग अगला पार्ट लेकर आएंगे रेसलिंग रिवॉल्यूशन का और उस पे मांगेंगे 100 लाइक। साले तू